हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस IC02 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ग्रुप इंश्योरेंस। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस और साथ ही हम बात करेंगे डिफरेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस। देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें बहुत सारे लोगों की इकट्ठे इंश्योरेंस कर दी जाए, उसे हम ग्रुप इंश्योरेंस कहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके बारे में। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड इंश्योरेंस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर वन सिंगल मास्टर पॉलिसी। तो देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या रहती है, इसमें एक सिंगल मास्टर पॉलिसी रहती है जिस पॉलिसी के अंडर एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कुछ लोगों के समूह की इकट्ठे इंश्योरेंस कर दी जाती है। द इंडिविजुअल्स हु गेट इंश्योरेंस कवर अंडर द पॉलिसी आर रेफर्ड एज मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। और वो लोग जिनके ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर पॉलिसी हुई है, उन्हें उस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का मेंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रुप इंश्योरेंस। तो देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ग्रुप फॉर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की जाती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप में की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े ऑफिसेस, जनरली प्राइवेट ऑफिसेस, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम जो है इंश्योरेंस की, ग्रुप इंश्योरेंस की, ये बहुत ज्यादा फेमस है। एम्प्लॉयर इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ईदर अ लार्ज कंपनी और अ स्मॉल फर्म। तो देखिए, एम्प्लॉयर क्या हो गया, एम्प्लॉयर वो बड़ी कंपनी हो या कोई छोटी कंपनी हो, छोटी फर्म हो, उसका जो मालिक हो जाएगा उसे हम एम्प्लॉयर कह सकते हैं। ओनली कंडीशन इज दैट देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट कंपनी। अब देखिए, इसमें क्या कंडीशन है कि मिनिमम 15 से 20 जो है एम्प्लॉयज उस कंपनी में काम करते हो, तो वहां पर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम जो है वो इजिली दी जा सकती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, देखिए कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो जाते हैं वहां पर भी ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो बहुत फेमस है। अब ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, ये क्या है, ग्रुप्स फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। तो देखिए, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होंगे जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इसी तरह के और प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स हैं, तो वहां पर भी ये ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो दी जा सकती है या दी जाती भी है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, अब उसके जो मेंबर्स हो जाएंगे उन्हें भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो दी जा सकती है और उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहती है। पर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे, उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज और मैनेज की जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिटर डेब्टर। अब देखिए, जो क्रेडिटर और डेब्टर ग्रुप रहते हैं ना, वहां पर भी ग्रुप जो इंश्योरेंस स्कीम है वो बहुत फेमस है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें एक तो क्रेडिटर है जिसने उधार दिया है और डेप्टर है जिसने उधार लिया है। तो जो ऐसे ग्रुप्स हैं वहां पर भी ये स्कीम बहुत फेमस है। तो क्या बताया गया है, अंडर दिस ग्रुप द क्रेडिटर हु हैज प्रोवाइडेड सम लोन टू द इंडिविजुअल। अब देखिए, क्रेडिटर कौन हो गया, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, लोन दे रहा है। कैन टेक द ग्रुप इंश्योरेंस फॉर कवरिंग द ड्यूज ऑफ डेप्टर्स टू सेफगार्ड हिज लोन्स व्हिच हैव बीन एडवांस्ड। तो देखिए, इसने जिन लोगों को लोन दिया है ना, उनके साथ ये ग्रुप इंश्योरेंस करवा लेगा ताकि अगर इसका जो डेप्टर है जिसने लोन लिया है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए या किसी केस में लोन वापस नहीं आ रहा है, तो वहां पर ये इंश्योरेंस जो है वो हेल्पफुल रहती है। और इसके एग्जांपल में दिया गया है बैंक्स, एनबीएफसी सीकिंग इंश्योरेंस कवर फॉर लोन्स गिवन बाय देम टू देयर कस्टमर्स। तो देखिए, बैंक्स या फिर जो एनबीएफसी रहती हैं जिन्होंने लोन्स दिए हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उन्हें इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर सोसाइटी का जो कमजोर वर्ग है, फाइनेंशियली कमजोर वर्ग है, उनके लिए भी ये स्कीम्स बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। ग्रुप इंश्योरेंस ऑल्सो टारगेट्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वो वैसे तो इंश्योरेंस नहीं ले पा रहा है,
तो ग्रुप इंश्योरेंस के जरिए उन्हें भी इंश्योरेंस की कवरेज प्रोवाइड की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आगे मास्टर पॉलिसी। देखिए, मास्टर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जो एक पॉलिसी है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें बहुत सारे लोगों को कवरेज मिल रही है, तो उस पॉलिसी को मास्टर पॉलिसी कहा जाएगा। एज अ ग्रुप इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। अ सिंगल पॉलिसी नोन एज मास्टर पॉलिसी इज इशूड टू द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द ग्रुप हु पेज द प्रीमियम। द इंडिविजुअल्स आर बेनिफिशरीज एंड दे आर नॉट पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, मास्टर पॉलिसी क्या हो गई, जैसे जो ग्रुप है, जिस जिस ग्रुप की पूरी इंश्योरेंस करवाई गई है, तो उसे एक सिंगल यूनिट माना जाएगा, और उसके लिए जो एक पॉलिसी मिल जाएगी उसे मास्टर पॉलिसी कहेंगे। और ये जो मास्टर पॉलिसी है ना, ये वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने की ये इंश्योरेंस करवाई है या जो प्रीमियम भर रहा है, उसे इशू की जाती है। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो सारे बेनिफिशरीज हो जाएंगे, पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होंगे। मतलब पार्टी ना होने का मतलब क्या है कि जो मेन ऑथराइज्ड पर्सन है ना, वही है उस ग्रुप की पार्टी, क्योंकि वही मेन उसका कर्ता धर्ता है। तो बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सिर्फ बेनिफिशरीज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा, पर कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंजेस करवानी है या कुछ अपडेट करवाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइज्ड पर्सन की ही रहती है, जिसे मास्टर पॉलिसी इशू की जाती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। द एम्प्लॉइज हु गेट कवर्ड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस आर इशूड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए, जो एम्प्लॉइज है ना ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर, जिनको कि इंश्योरेंस का लाभ मिला है ग्रुप इंश्योरेंस का, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो इशू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स की। तो देखिए, जो ग्रुप स्कीम्स हैं उनको एक पिक्चर से आप देख सकते हैं। तो इसमें है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम, ग्रुप सुपर एनुएशन स्कीम, ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इन लियो ऑफ EDLI, और लास्ट में दी गई है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आई ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि टर्म इंश्योरेंस जो स्कीम रहती है वो ऐसी स्कीम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट है, जिसमें मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब ये जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम है ये उसी से रिलेटेड है। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर टू द ग्रुप ऑफ पीपल एज अ सिंगल एंटिटी। लाइक इंडिविजुअल टर्म पॉलिसी, द ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड्स डेथ कवर टू द मेंबर्स। तो देखिए, इसमें टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा ग्रुप ऑफ पर्संस को, और सिर्फ डेथ बेनिफिट ही मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट इसमें नहीं होता है। अब इसमें जो प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? देखिए, जो पूरी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रहती है ना, चाहे वो कोई भी हो, उसमें प्रीमियम जो डिसाइड किया जाता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो साइज ऑफ ग्रुप है वो कितना है। साइज ऑफ ग्रुप का मतलब हो गया कि उसमें कितने नंबर ऑफ पर्संस हैं जो कि ग्रुप में हैं। नेक्स्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप, यानी कि वो जो ग्रुप है उसमें जो मेंबर्स हैं वो कौन से एज ग्रुप के हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट हैव रिटायर्ड और हैव लेफ्ट द कंपनी। नेक्स्ट जो फीचर कंसीडर किया जाता है ना प्रीमियम कैलकुलेशन में, वो है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जानना जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर कंपनी को छोड़ चुके हैं, एंड नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज हु हैव ज्वाइंड द कंपनी, और लास्ट में ये भी चीज कंसीडर की जाती है कि नए जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है उनका कितना नंबर है। तो ये बातें जो हैं प्रीमियम डिसाइड करते हुए कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर है उसे ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एनी कंपनी हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉइज हैव टू प्रोवाइड ग्रेच्युटी टू इट्स एम्प्लॉइज एंड ग्रेच्युटी नीड्स टू बी पेड इन द केस ऑफ। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है ना, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी जो है वो देनी पड़ेगी। और ग्रेच्युटी किस केस में पे करनी पड़ती है उसे आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। इन द केस जब जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाए, मीन्स डेथ ऑफ द एम्प्लॉय,
देन डिसेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई है जब वो डिसेबल हो जाए, मतलब उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया है और वो डिसेबल हो गया है. रेजिग्नेशन आफ्टर पुटिंग मिनिमम पीरियड ऑफ द सर्विस, मीन्स मिनिमम सर्विस पीरियड करने के बाद कंपनी से रिजाइन दिया गया है, या फिर रिटायरमेंट के केस में. मीन्स ये चारों में से कोई भी ऑप्शन रहती है तो कंपनी को अपने एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी जो है वो पे करनी पड़ेगी. अब देखिए कि आप देख रहे हैं कि ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है. इसका फॉर्मूला है बेसिक, जो बेसिक पे मिल रही है उसे, बेसिक प्लस डीए इंटू 15 days इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26. तो ये ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है. नेक्स्ट है ग्रुप सुपर एनुएशन स्कीम. देखिए जो ग्रुप सुपर एनुएशन स्कीम है ना, इसमें जो वर्ड एनुएशन है ना, ये एन्युटी से रिलेटेड है. और एन्युटी का मतलब क्या होता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि पेंशन. तो अब ये जो स्कीम है ये पेंशन से रिलेट कर रही है. चेक करते हैं इसमें क्या है. ग्रुप एनुएशन स्कीम इज अ पेंशन स्कीम इन विच इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड सुपर एनुएशन एट ग्रुप लेवल. यानी कि ये एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप जिनके इंश्योरेंस की गई थी उन्हें जो है पेंशन प्रोवाइड करती हैं. रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टूवर्ड्स द पेंशन फंड एंड आफ्टर रिटायरमेंट दिस कॉर्पस कैन बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉय टू टेक द एन्युटी फ्रॉम द इंश्योरर. दिस विल प्रोवाइड हिम विद अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम आफ्टर द रिटायरमेंट. तो इसमें क्या रहेगा कि एम्प्लॉयर के द्वारा रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन की जाती है इस पेंशन फंड में, और रिटायरमेंट के बाद जो इंश्योरर जो है वो एम्प्लॉय को एन्युटी के फॉर्म में उस बेनिफिट को प्रोवाइड कर देता है और इससे उसे एन्युटी मिलती रहती है. ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम. अब ये जो ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम है इसमें बताया गया है कि एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज हैव टू प्रोवाइड लीव एनकैशमेंट फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज. लीव एनकैशमेंट इज अ लमसम अमाउंट दैट इज पेबल टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और लीविंग द कंपनी फॉर द लीव्स दैट ही और शी हैज अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विस इन द कंपनी. अब देखिए कि ये जो एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी एक्ट है ना 1956 उसके हिसाब से ये जो है ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम की फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉयज को दी जाती है. और इसमें बेनिफिट ये रहता है कि लमसम अमाउंट जो है ना वो एम्प्लॉयज को दिया जाता है कब, या तो उनके रिटायरमेंट पे या फिर जब वो कंपनी को लीव करते हैं. और ये डिपेंड करता है कि उनके जो टेन्योर के दौरान, मतलब जब उन्होंने काम किया है कंपनी में उसके दौरान जो उनका लीव ना लेने पर जो पैसा इकट्ठा हुआ है तो उसे कहा जाता है लीव एनकैशमेंट स्कीम. नेक्स्ट स्कीम है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में EDLI भी कहा जाता है. इस फुल फॉर्म को भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में कई बार फुल फॉर्म से पूछ ली जाती है. तो क्या कहा गया स्कीम में, इफ अ कंपनी इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 देयर इज अ स्टेचुरी रिक्वायरमेंट दैट कंपनी हैज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. तो देखिए अब इस स्कीम के अंडर कहा गया है कि अगर जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर आती है, तो जो एक्ट है मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट है, मींस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है, उसके हिसाब से जो कंपनी है उसे एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में भी जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसका कि बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है. और ये नेक्स्ट स्कीम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब सामाजिक सुरक्षा के लिए जो स्कीम्स तैयार की जाती हैं. सोशल सिक्योरिटी इज अ कंसर्न इन ऑल कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्दो द डायमेंशंस मे वेरी कंसिडरेबली. देखिए जो सामाजिक सुरक्षा है इसके लिए सारे दुनिया में ही सभी कंट्रीज में अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, पर वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं. इन सम कंट्रीज द एक्सपेंसेस ऑफ एल्डरली पर्सन्स
आर बॉर्न बाय स्टेट एज अ सोशल मेजर। कुछ देशों में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, मीन्स रिटायरमेंट के बाद जो लोग हो गए हैं, उन लोगों के जो खर्चे हैं वो सरकार के द्वारा बियर किए जाते हैं एज अ सोशल मेजर। इन सम कंट्रीज मेडिकल केयर जो है वो फ्री दी गई है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफर लाइफ प्रोटेक्शन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए, ये जो स्कीम्स रहती हैं, इससे सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। अब आप स्कीम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसकी कुछ जो हैं वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दी हैं। इनमें है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ये भारत में दी जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं और इससे बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कुछ जो है उनके बारे में बताया है। चलिए, अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान इन विच एम्प्लॉइज हैव टू पे अ सर्टन पोर्शन ऑफ द प्रीमियम अलोंग विद द एम्प्लॉयर इज नोन एज। आपको बताना है उस ग्रुप इंश्योरेंस प्लान का नाम जिसमें एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉइज को भी प्रीमियम का कुछ भाग पे करना पड़ता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान, कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान, फ्री इंश्योरेंस प्लान और लास्ट ऑप्शन है डिडक्शन इंश्योरेंस प्लान। तो देखिए, कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको मान लीजिए नहीं भी आ रहा है तो आपने उनको पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। अब क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर थोड़ा थोड़ा जो प्रीमियम का भाग है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस प्लान का नाम क्या होगा? कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन अ पेंशन स्कीम व्हेन द पेंशन अमाउंट इज नोन बिफोर हैंड इट इज नोन एज। अब देखिए, ये पेंशन स्कीम जिसमें कि जो पेंशन का अमाउंट है ना वो नोन रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? गारंटेड बेनिफिट पेंशन स्कीम, ग्रुप सुपर एनुएशन स्कीम, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम या फिर डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। तो देखिए, इसका नाम रहेगा डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्री कवर लिमिट इज, आपको बताना है कि फ्री कवर लिमिट का क्या मतलब रहता है। ऑप्शंस दी गई हैं, द स्टिप्यूलेटेड अमाउंट टिल विच द इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड फ्री, मैक्सिमम अमाउंट टिल विच द कवर इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, स्टिप्यूलेटेड अमाउंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल विच द मेडिकल चेकअप इज असेंशियल, एंड स्टिप्यूलेटेड अमाउंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल विच द मेडिकल चेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या है ये? फ्री कवर लिमिट है। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन डी। इसमें बताया गया है कि फ्री कवर लिमिट का मतलब क्या है, स्टिप्यूलेटेड अमाउंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल विच मेडिकल चेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है, सम अश्योर्ड रहता है, अगर उस वैल्यू तक की हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें मेडिकल चेकअप करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो उस लिमिट को फ्री कवर लिमिट कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंडर विच मेथड डू द एम्प्लॉयर्स पे ग्रेच्युटी टू द एम्प्लॉई व्हेन ही लीव्स द कंपनी फ्रॉम द करंट ईयर रेवेन्यूज। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं उनमें वो कौन सा मेथड है जिसके हेल्प से या जिसको फॉलो करते हुए एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देता है जब वो उसकी कंपनी को छोड़कर जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है जिसके अंडर जो एम्प्लॉय है उसे ग्रेच्युटी दी जाती है। ऑप्शन है इंटरनल ट्रस्ट, पे एज यू गो मेथड, इंटरनल रिजर्व मेथड एंड ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम। तो देखिए कि जब जो एम्प्लॉई है ना वो कंपनी को छोड़कर जाएगा तो उसे जो ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाएगी ना उसके लिए मेथड यूज किया जाता है पे एज यू गो मेथड। और इस मेथड के हिसाब से जब भी वो मतलब वो छोड़ के जाएगा, कंपनी को लीव करके जाएगा, तो जो भी करंट रेवेन्यू रहेगा, करंट ईयर्स का रेवेन्यू रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनी के द्वारा ग्रेच्युटी दी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफ द इन्वेस्टमेंट गिव्स लोअर रिटर्न देन द एक्सपेक्टेड,
देन देयर कैन बी डेफिसिट एंड द बर्डन ऑफ दैट विल हैव टू बॉर्न बाय द डैश। अब देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट ने जो रिटर्न दिया वो कम दिया, जितना एक्सपेक्टेड था उससे रिटर्न जो है वो कम आ रहा है, तो इससे क्या होएगा? इससे नुकसान होएगा, डेफिसिट होएगा, और जो बर्डन है वो अब कौन बियर करेगा ऐसे केस में? एम्प्लॉयर, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ अबव? तो देखिए, ऐसे केस में जो नुकसान है या बर्डन है ना, वो बियर करेगा एम्प्लॉयर, क्योंकि उसी ने इन्वेस्टमेंट की है, उसी की कंपनी है, तो एम्प्लॉयर जो है वो बर्डन बियर करेगा ऐसे डेफिसिट का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडर द ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम कैन द एम्प्लॉयर क्लेम टैक्स बेनिफिट फॉर द प्रीमियम पेड फॉर द एम्प्लॉयज? आपको बताना है कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम में क्या जो एम्प्लॉयर है उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है प्रीमियम जो वो भर रहा है एम्प्लॉयज के लिए? तो ऑप्शंस दी गई हैं, यस बिकॉज द प्रीमियम पेड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, नो बिकॉज द प्रीमियम इज पेड फॉर एम्प्लॉयज एंड हैज द एम्प्लॉयज कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट, बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट इक्वली एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा यस, बिकॉज जो प्रीमियम भरा जा रहा है वो बिजनेस के खर्चों में ही है, तो इसलिए जो एम्प्लॉयर है उसे टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो वो प्रीमियम भर रहा है। ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। ईडीएलआई, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो इसको अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बताइए क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म है, बिल्कुल सही, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी कह देते हैं साथ में, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। ग्रुप PA usually given to groups like banks, society covers for। आपको बताना है कि ये जो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहती है ना, ये ऐसे ग्रुप्स को दी जाती है जैसे कि बैंक्स हैं या फिर सोसाइटीज हैं, वो किन के मतलब वो किन को कवर करता है? एम्प्लॉयज को, डिपॉजिट होल्डर्स को, रजिस्टर्ड मेंबर्स को, या फिर ऑल ऑफ द अबव को? तो देखिए, ये जो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम है ना, इसमें सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट। अब देखिए, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान की ना नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, तीन तो हैं पर एक नहीं है, अब वो ढूंढनी है कि कौन सी नहीं है। तो क्या है वो? ग्रुप अंडरराइटिंग, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल अंडरराइटिंग एंड प्रोबेशनरी पीरियड। तो देखिए, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान की जो है ए, बी और डी, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर इंडिविजुअल अंडरराइटिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है वो अपने लिए इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसकी अंडरराइटिंग होगी तो उसे इंडिविजुअल अंडरराइटिंग कहेंगे। अब यहाँ तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो उसमें ग्रुप अंडरराइटिंग होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एन एम्प्लॉय अंडर अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हैज द राइट टू नेम अ बेनिफिशियरी एंड द राइट टू। अब देखिए कि जो एम्प्लॉय है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर वो आ रहा है, और उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने बेनिफिशियरी का नाम भी दे उस पॉलिसी में, बेनिफिशियरी मतलब नॉमिनी का, है ना, एंड द राइट टू, अब चेक करना है क्या है और इसका राइट, रिमेन ऑन द ग्रुप प्लान इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, कैश सरेंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, चेंज द पॉलिसी प्रोविजंस एंड कन्वर्ट द इंडिविजुअल पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन। और दूसरा अधिकार उसके पास है कि अपनी जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको चेंज करवा ले इंडिविजुअल पॉलिसी में जब वो उस नौकरी को छोड़कर जा रहा है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ दीज फैक्टर्स वुड एन इंश्योरर कंसिडर वेन डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट अ ग्रुप लाइफ प्लान? अब देखिए कि जब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करवाई जाती है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है इंश्योरर के द्वारा? तो ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इनकंसिस्टेबल पीरियड, एवरेज एज और ग्रेस पीरियड। तो देखिए, जो मेन फैक्टर है ना वो है एवरेज एज, इन सभी फैक्टर्स में से इसे कंसीडर किया जाता है इंश्योरर के द्वारा जब भी कोई ग्रुप इंश्योरेंस प्लान किया जाता है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब एंड में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
तो क्वेश्चन है, अंडर अ ग्रुप लाइफ पॉलिसी द इंश्योरर विल इशू एन इंडिविजुअल डैश टू द पॉलिसी ओनर फॉर द डिलीवरी टू ईच पर्सन इंश्योर्ड। अब देखिए कि ग्रुप लाइफ पॉलिसी के अंडर इंश्योरर जो है ना वो हर एक ग्रुप मेंबर को कुछ इशू करता है, तो अब वो क्या इशू करता है, क्या दिया जाता है। अब देखिए हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो मेन व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसे तो मास्टर पॉलिसी मिलती है। अब जो उस पॉलिसी के मेंबर्स है ना उन्हें क्या मिलता है, पॉलिसी, सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन और राइडर। अब इसका जो भी राइट आंसर है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।